हाय दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो IBPS का एग्ज़ाम 12 तारीख से स्टार्ट था। 12 तारीख से IBPS RRB PO के एग्ज़ाम्स और उसके बाद क्लर्क के एग्ज़ाम होने थे। तो जैसा कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड आप लोग बहुत परेशान हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने वहाँ पे कॉल किया था, उनके जो पर्सनल कॉल सेंटर नंबर है वहाँ पर मैंने कॉल किया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो भी आपके एडमिट कार्ड हैं वो एक हफ्ता पहले रिलीज़ हो जाएंगे और आपकी वेबसाइट में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप वेबसाइट में रेगुलर विज़िट करते रहिए। तो मैंने कहा अच्छा। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो हम आपको बता देंगे, मतलब वेबसाइट के थ्रू आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप लोग पैनिक मत होइए, आप परेशान मत होइए, बार बार यूट्यूब पर सर्च मत करिए कि यार एडमिट कार्ड आया नहीं आया है, क्यों आपको पता चल जाएगा। अगर मैसेज आता है बताओ, मोबाइल पर आपके पास मैसेज आता है, आपकी मेल पर भी आता है, तो आप वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, आपका एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 75,000 केसेस हमेशा लगातार हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हो सकता है एग्ज़ाम थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि इस समय समस्या थोड़ी जटिल है। आप जानते हैं जैसे कि बहुत से स्टेट में बाढ़ भी आई हुई है और कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, महाराष्ट्र यूपी में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में। और तो मैं ये आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट करें, रीजनिंग में पज़ल आप जरूर करें, क्योंकि पज़ल पक्का आएगी, पज़ल तीन चार पज़ल तो पक्का आएंगे, बॉक्सेस वाले और ये लीनियर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट ही पक्का आएगी। और आप साथ में जो एक मैथ में है DI जरूर करके जाइएगा, और DI भी आप वेन डायग्राम वाली DI जो आजकल आ रहे हैं पज़ल्स, उसमें मैथ में जो आ रहे हैं वो जरूर करके जाना, क्योंकि वो आ रहे हैं इनइक्वालिटीज़, और आपको सिम्बोलिज्म ये सब करके जाने पड़ेंगे। सीरीज़ में आप थोड़ा ध्यान दें, और थोड़ा टाइम मिले आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड टेस्ट दें। स्पीड टेस्ट देंगे भैया तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप तभी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आप पैनिक मत होइए, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, जब भी आएंगे आप परेशान ना हो, ठीक है। थैंक यू, बाय।